गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग मेंस का पेपर देने जाएंगे बैंक एग्जाम के लिए, ठीक है, सभी देने जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको मैंने ऑब्जर्व भी किया कि वो लोग क्या गलतियां करते, तो इस साल इस बात को ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं सोच रही थी, एक साल से वीडियो बनाने को सोच रही थी पर अवॉइड कर दिया था, तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, बहुत लोगों को हो सकता है वीडियो पसंद ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है क्या कि डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन आप जानते हो कि मेंस में आप इसको प्रायोरिटी पर रखते हो, ठीक है। आप हर तरह की DI प्रैक्टिस करना चाहते हो, हर एक टीचर से पढ़ना चाहते हो या किसी ने कुछ न्यू करा है, अच्छी बात है, जहां से ज्ञान मिले आप लीजिए, ठीक। पर अपने लिए तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए कि आप, पहली बात तो ये है कि हर चीज़ को हड़बड़ाहट में नहीं देखना होता है कि यार ये DI होगी तो 4-5 ऐसी DI कर ले। आप हमेशा पूरा ग्लास है ना आपके पास, आपने प्री से किसकी प्रैक्टिस करी, आपने अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करी है, उस पर बेस्ड DI की प्रैक्टिस कर रखी है, उसी को मॉडिफाई वर्जन मतलब थोड़ा सा उसका और लेवल बढ़ा के आप मेंस में आ जाते हो, ठीक है। तो अब बात यहां पर यह आती है कि फॉर एग्जांपल मैं SBI PO का पेपर की बात करूं, ठीक है, 2020 हो गया, 2019 में ये वाली DI थी, तो एक या दो लॉजिकल DI आपको मिल जाती है, उसके चक्कर में आप पूरी प्रिपरेशन अपनी तहस नहस कर देते हो या अपना कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ देते हो। भाई मेंस में टॉपिक सेम ही आते हैं प्री वाले, ठीक है, एक दो चीज़ें आपकी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे दी, लॉजिकल आ गई, तो वो फुटबॉल बेस्ड DI ये मान लो एक आ गई, ठीक है, या फिर हर बार मान लो देते ही देते हैं, ठीक है, लॉजिकल, तो आपका दिमाग वहीं क्यों अटक जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि लॉजिकल DI मत करो, मैं खुद प्रैक्टिस करवाती हूँ, बहुत सारी करवाती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जो टॉपिक्स आपका, जो आपके पास पूरा ग्लास है, जो उसमें आपने आधा ग्लास नहीं, मैं कहूँगी आधे से ज़्यादा जो भर रखा है उस पर क्यों नहीं फोकस करते हो। भाई मिसलेनियस पार्ट भी आता है आपका, क्वाड्रेटिक के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आने लगे तो वो क्यों स्किप हो जाए आपसे, अर्थमेटिक पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते, कुछ टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो अपने, डेटा सफिशियंसी हो गया आपका, नंबर सीरीज हो गया, तो यहां से पहले मार्क्स लाइए ना, पहले आप इन चीज़ों पर कमांड करिए, फिर उसके बाद आप लॉजिकल पार्ट पर जाइए। मैं नहीं कहती कि आप मत करो, करो, जितने मार्क्स आएंगे उतना आपको फायदा है, लेकिन मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, यार उस टीचर ने पढ़ाया, मैम आपने पढ़ाया, मैंने सारी चीज़ें रुद्रा DI में आप जानते हो पढ़ाया हुआ था, लास्ट ईयर बहुत सक्सेसफुल बैच रहा था और हर एक चीज़ थी उसमें, इस साल भी रुद्रा विक्रम आपका स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी मैं यही चीज़ें स्टार्ट करने वाली हूँ सारी चीज़, पर हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाई। तो कभी भी किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो, कहीं से भी ज्ञान लेना है लीजिए, सब मेहनत करते हैं पढ़ाते हैं, पर अपने आप को देख लो कि आप स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। पहले उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपसे हो जाती है, यही कारण है कि आपके क्वांट में मार्क्स नहीं आते। आप क्या करते हो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, समझ कुछ नहीं आ रहा, दो घंटे एक DI पे टाइम वेस्ट करो, जो आपसे घर में 2 घंटे में नहीं बन रही वो क्या एग्जाम में आपसे बन पाएगी। तो मेरा कहने का बस मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा माइंड डेवलप हो, हम उस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, इसलिए नहीं करते हैं कि वही क्वेश्चन हमें पेपर में मिलेगा, ठीक है। मैं भी आपको लेवल हाई करवाती हूँ, रीज़न यही है ताकि आप उस तरह से एकदम प्रिपेयर हो जाओ। मैं वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज की DI से ही स्टार्ट करवा देती हूँ कि जब तक 30-40 दिन में आपका बैच एंड होता है आप खुद ही सारी चीज़ें सोचने लगते हो, केसेस बनाने लगते हो, आपको खुद मतलब ऐसा नहीं है कि मैम करवा दी, ठीक है, आप फिर ढूंढोगे नहीं, आप मॉक में कर रहे हो, आप खुद से समझ लोगे उन चीज़ों को। ये होता है आपका प्रॉपर तरीका। नहीं कह रही पेट के लिए जाओ, आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी टीचर्स से पढ़ा, इवन गाइडली पर भी हजारों वीडियो पढ़ी हैं आपकी मेंस की, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। बस बात ये है कि क्या चीज़ें आपको किस वक्त करनी है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यही है आपका लॉजिकल DI का काला सच जो मैं आपको बताना चाहती थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप लोग ना इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हो या यूट्यूब पर कर दिया गया या जो भी चीज़ें हैं P2P एस्पिरेंट्स की चलती रहती है। अभी आज एक एस्पिरेंट का मैसेज आया मेरे पास कि मैम मैंने UPSC से स्विच किया क्योंकि भाई वहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो मैंने बैंक में स्विच किया, अभी मुझे 2 से 3 महीने हुए, ठीक है। काफ़ी जेन्युइन था वो स्टूडेंट, पर वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था DIs को लेके कि मैम ऐसी लेवल की DI पढ़नी है, कहाँ से पढ़ूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि पहले अपने बेस को मजबूत करिए, पहले आपके हाथ में जो है आपने जो प्री से पढ़ा हुआ है पहले उन चीज़ों को मजबूत करिए, फिर एक या दो जो भी लॉजिकल DIs आपको मिलती है वो तो बात का काम है ना, वो आप कर लो, और वो भी कोई पक्का नहीं है कि आप एग्जाम में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, प्रैक्टिस करिए, कर भी लोगे, क्योंकि इतना ज्यादा टफ नहीं आता जितना हम आपको करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होइए, जो चीजें आपके लिए पहले जरूरी है पहले आपको उनको करना है, ठीक है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि आप मेंस के पेपर आएंगे आप पैनिक होगे, इधर भागोगे उधर भागोगे, पहले अपना एक वे में पूरी चीज़ों को पढ़िए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट में लगिए, PDF बंडल में लगिए, जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास मेंस का डेटा नहीं है प्रैक्टिस के लिए, देन IBPS PO क्रैकर आपका 299 में, उसमें पूरे आपका मेंस लेवल शेड्यूल है आपका प्री का और मेंस का, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉक टेस्ट होंगे आपके पास इतने सारे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी DI के लिए स्पेशल बैच रुद्रा विक्रम मैंने चलाया है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी मेरी वीडियोस पढ़ी हैं, टॉप 40 हाई लेवल DI वो एकदम अलग ही लेवल है PO का, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करो, पैनिक मत हो, ठीक है। तो बाय, ठीक है।